आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए थे, मगर इसके बावजूद भी अखिलेश यादव के पास जनता पहुंच रही थी। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोरोना संक्रमित अखिलेश यादव के पास जनता कैसे पहुंच रही थी। तो आज इस बात का हम खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जनता अखिलेश के पास कब, कैसे और किस तरीके से पहुंच रही थी और अखिलेश उनकी कैसे मदद कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से लगभग 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों परिवार कोरोना वायरस की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इस बीच जनता को उम्मीद अपने राजनेताओं से होती है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। और उनको इस बात का एहसास होता है कि यह जनप्रतिनिधि उनकी मदद कर सकता है। इसी मदद की आस को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के पास पहुंचती थी और अखिलेश उन सभी लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करते थे। इस बात का खुलासा खुद समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने किया जब वह न्यूज पर लाइव इंटरव्यू पर मौजूद थे। अनुराग भदौरिया ने बताया कि अखिलेश यादव पूरे दिन और रात लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं। कोरोना संक्रमण होने के बाद भी अखिलेश यादव रात रात भर लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिशा निर्देश करते रहते हैं। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को मदद पहुंचाते हैं जिन लोगों की सूचना या संदेश अखिलेश यादव को मिलता है। देखिए उसकी वो कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी सारा दिन सारे कार्यकर्ताओं को सभी लोगों को फोन करते रहते हैं कि कोई परेशान तो नहीं है, जौनपुर का कोई फोन आएगा, कहीं आजमगढ़ की, कभी इटावा के लिए, कभी लखनऊ के लिए, कभी कन्नौज के लिए, कभी और सीतापुर के लिए, कभी हरदोई के लिए, कभी लखीमपुर के लिए, कभी गोंडा के लिए, कभी बहराइच के लिए, कभी बनारस के लिए, कभी इवन गोरखपुर। क्योंकि एक ऐसे देश के अंदर में नहीं कहना हूँ, आम जनता किसी से पूछोगे तो कहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है अखिलेश यादव जी, वो फोन पे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। इतने बीमार होने के बावजूद भी अगर आप उनसे, जैसे मैं उनसे फोन करके पूछता भी हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है, तो वो अगर उनको जरा खांसी भी होगी तो खांसी रोक के ही शायद बोल देंगे मेरी तबीयत ठीक है, जिससे कि कोई परेशानी ना हो किसी को। और फिर रास्ते से अपने व्हाट्सएप पे मदद कह देंगे कि देख लेना यहाँ हरदोई में इसको ये जरूरत है, वहां पे देख लेना इसको ये जरूरत है। तो वो हमेशा लगातार अपनी टीम के साथ लोगों की मदद करते रहते हैं। तो अखिलेश यादव के पास जिन लोगों की सूचना या संदेश पहुंचता था, अखिलेश यादव उन सभी लोगों की पूरी मदद करने की लगातार कोशिश करते हैं। फिलहाल अखिलेश के पास जनता शारीरिक रूप से ना पहुंच पाए, मगर वर्चुअल रूप से जरूर पहुंचती है और अखिलेश उनकी पूरी मदद करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।